टेस्ट के लिए काफी है। कितनी गाड़ी ला रहे हैं अभी उठाया, पहले वो चेक करो फिर दूसरे वाले की चेक करो। तमाम मीडिया ग्रीन कोई कभी ब्लैक नहीं होगा। वो भी देखो, वो चेक करो उसको, उसके बाद उसको देख लो क्या। उसका बिल है आपके पास? तो पहला जुर्माना तो आपको होगा ना, अगर बिल है तो फिर उसको भी होगा। कितने माल है ये? दूर की बात नहीं है, चलने कमिश्नर फूड सेफ्टी और डिप्टी कमिश्नर पुंछ के डायरेक्शन पर आज ईद उल अज़हा के आमद पर तमाम शहरों को चेक किया गया है। उसमें मेंडर प्रायोरिटी पर चेक किया गया है कि यहाँ मीट कैसा लोगों को मिल रहा है, वेजिटेबल्स कैसी मिल रही हैं, बाकी खाने की शय खुर्दनी जो है वो कैसी कैसी मिल रही है। उसमें हमने मैक्सिमम लोगों को जहाँ हमें वायलेशन पाई गई वहाँ कंपाउंडिंग हुई है, 13 लोगों को हमने कंपाउंडिंग में डाला है और 12 सैंपल हमने उठाए हैं। वो चीज़ें जो हमें लगी सबसे मिली उस मेयार की नहीं थी। और जो मिठाई का टेस्ट किया गया है वो आपके सामने किया हमने कि ऑन स्पॉट टेस्ट किया गया है कि अगर कहीं मिठाई गलत बिक रही है, क्योंकि ईद का मौका आ रहा है, उस पर कहीं गलत मिठाई जो है पब्लिक तक ना पहुंचे, तो वो आपके सामने हमने टेस्ट किया है। जो ख़राब थी उसका हम सैंपल लेंगे और एनालिसिस के लिए भेजेंगे। सर, जनरल पब्लिक जो फेस करती है इन चीज़ों को, उनसे क्या कहूँगी, दुकानदारों से क्या भेजेंगे? मेरा तमाम जो FBO हमारे दुकानदार हैं उनसे ये अर्ज़ है कि वो साफ़ सुथरी साफ शफाफ चीज़ बेचें, रेट में कहीं वायलेशन ना करें और लोगों को वो चीज़ बेचें जिससे बेहतरी हो, गंदी चीज़ ना हो। दूसरी बात यह है कि तमाम पब्लिक को मेरा ये एक मैसेज है कि वो जब भी खरीदें किसी दुकानदार से रेट देख के लें, अपने डेट उसकी देख के लें, वो कहीं एक्सपायर तो नहीं है, वो चीज़ कहीं सब स्टैंडर्ड तो नहीं है, कहीं मेयार से गिरी हुई तो नहीं है। तो ऐसा तमाम पब्लिक को ये ईद का मौका है साफ सुथरी चीज़ लें। अगर कहीं लगता है किसी को वायलेशन हो रही है तो मीडिया हजरात को भी मैं अर्ज़ करूँगा कि हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम उस पर क्विक एक्शन कर सकें और उसको लाए अमल में ला सकें। टेस्ट के लिए काफ़ी है? कितनी गाड़ी ला रहे हैं? कभी ब्लैक नहीं होगा। वो भी देखो, वो चेक करो उसको, उसके बाद उसको देख लो क्या। उसका बिल है आपके पास? तो पहला जुर्माना तो आपको होगा ना, अगर बिल है तो फिर उसको भी होगा। कितने माल है ये? दूर की बात नहीं है, चलने